नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं भूबिया अमित। किस्सा कहानी में आपका स्वागत है। चुनावी मौसम है और आज हम आपको किस्सा सुनाएंगे उस दौर का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई के लिए चुनाव प्रचार किया था। आप सोच रहे होंगे कि आरएसएस की विचारधारा से जुड़े रहने वाले और बीजेपी को मां कहने वाले मोदी आखिरकार दिग्विजय सिंह के भाई के लिए प्रचार क्यों करेंगे। बात तो सही है, लेकिन किस्सा मजेदार है, ध्यान से सुनिए। बात है सन 2004 की। लोकसभा चुनाव थे, प्रचार प्रसार जोरों पर था। अप्रैल के महीने में गर्मी बढ़ रही थी तो वहीं राजनीति के अखाड़े में भी पारा बढ़ रहा था। मध्य प्रदेश कांग्रेस में निराशा का माहौल था और खासकर दिग्विजय सिंह के यहां तो कुछ ज्यादा ही था। दिग्विजय सिंह बोल रहे थे कि मैंने मेरा घोड़ा खो दिया है। ये घोड़ा कौन था? ये वो ही घोड़ा था जो इस राजनीतिक रण में कांग्रेस की हार की एक वजह बना था और खासकर दिग्विजय सिंह के खेमे के लिए कुछ ज्यादा ही हानिकारक था। इनका नाम था लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने इसका कोई खास कारण तो नहीं दिया था। हाँ, ये जरूर कहा था कि कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके से समझौता कर लिया है, इसीलिए कांग्रेस छोड़ रहा हूँ। दरअसल मुख्य बात तो ये थी कि उस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी की लहर थी और कांग्रेस का बुरा हाल था, इसीलिए बहुत से कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे थे। बहती गंगा में हाथ धोने के लिए लक्ष्मण सिंह भी आ गए और बीजेपी ने उन्हें राजगढ़ लोकसभा सीट से टिकट दिया। इस टिकट देने का विरोध भी किया गया, बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया। बीजेपी के नेता आलोक त्रिपाठी ने इसका जबरदस्त विरोध किया। लक्ष्मण सिंह को टिकट दिए जाने से त्रिपाठी एक बार तो इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने बागी रुख अपना लिया था और लक्ष्मण सिंह के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन फिर उमा भारती ने हस्तक्षेप किया, मामला ठंडा हुआ और त्रिपाठी ने अपना नाम वापस ले लिया और लक्ष्मण सिंह के प्रचार प्रसार के लिए नरेंद्र मोदी गुजरात से आए थे। उस वक्त मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोदी ने खूब प्रचार किया और ये चुनाव लक्ष्मण सिंह जीत गए। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने एक बात कही थी कि घर में आग लगी है घर के चिराग से। फिर 2009 में लोकसभा चुनाव में लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के नारायण सिंह अमलावे के हाथों हार गए। उसके अगले साल नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष बने और गडकरी ने दिग्विजय सिंह पर एक बयान दिया। गडकरी ने कहा कि आतंकवादियों की तारीफ करने वाले औरंगजेब की औलाद हैं और इसी बयान पर दिग्विजय के चिराग यानी लक्ष्मण सिंह ने गडकरी से पूछा कि आप किसकी औलाद हैं। सवाल भी जायज था, पार्टी राजनीति ये सब अपनी जगह है, बाप को कोई गाली दे तो गाली कैसे सुन ले। फिर दिग्विजय और लक्ष्मण दोनों भाई एक हो गए। लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी छोड़ दी और फिर से कांग्रेस में चले गए। ये तो दिग्विजय सिंह के घोड़े की एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और बने रहने के लिए जो लाल बटन नीचे आपको दिखाई दे रहा है वो दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका अगर कोई सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। फिर देखना, हम आपको इस चुनावी मौसम में ऐसी ऐसी अनसुनी कहानियां और किस्से सुनाएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। और ऐसे ही किस्से सुनने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।